जावरा के समीपस्थ ग्राम उपलई के परमानंद धाकर ने 28 जुलाई 2023 को सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली थी। हाल ही में आई विसरा जांच रिपोर्ट में भी सल्फास से मौत होने की पुष्टि हुई है। पुलिस की जांच में पता चला कि किसी अनजान व्यक्ति ने वीडियो कॉलिंग कर आपत्तिजनक वीडियो बना लिया और उसे वायरल करने की धमकी दे रहा था। जांच अधिकारी सरसी पुलिस चौकी प्रभारी सब इंस्पेक्टर विजय बामनिया ने बताया कि युवक के मोबाइल की जांच की तथा परिजन के बयान लिए। इसमें पता चला कि करीब 20,000 रुपए उक्त ब्लैकमेलर ले चुका था और फिर कॉल कर रहा था। इससे तंग आकर आत्महत्या की। मोबाइल नंबर के आधार पर अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला पंजीकृत कर जांच शुरू कर दी है। ग्राम उपलय के परमानंद की 27 जुलाई को मृत्यु हो गई थी। उसमें मार्ग जांच पंजीबद्ध किया गया था। उनके परिवारजनों के बयान लिए गए थे तो परिवारजनों ने आशंका जताई थी कि कोई अज्ञात व्यक्ति ने उसकी अश्लील वीडियो बनाई और अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करने की धमकी देकर उससे 20,000 रुपये ट्रांसफ़र करवा लिए हैं। और ट्रांसफ़र करवाने के बाद फिर से वो अज्ञात व्यक्ति पैसों की डिमांड कर रहा था। जो परमानंद के पास पैसे नहीं होने से वो परेशान होकर उसने सल्फास खा लिया होगा, ऐसी आशंका जताई थी। जो उस समय मार्ग जांच के दौरान विसरा जांच रिपोर्ट भेजी गई थी जांच के लिए लैब में, वो जांच रिपोर्ट वर्तमान में पॉजिटिव आई है। इसमें सल्फास खाना आया है, जो अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा 306-384 भावी में अपराध पंजीबद्ध कर लिया गया है। आरोपियों की तलाश के लिए टीम जाएगी। सरसी से पवन धाकड़ की ये रिपोर्ट।